જાણવા મળ્યું છે કે 1995ની ચૂંટણી પછી રાજ્યમાં કોઈ કૃષિ મંત્રી રિપીટ થતા નથી અને હું રિપીટ થયો છું। पशुपालन मंत्री, कृषि मंत्री, भाजपा सरकार, सुदृढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार एवं शासन, कुशल राजनीतिज्ञ राघव जी भाई हंसराज भाई पटेल, सफल व्यवसायी राघव जी भाई हंसराज भाई पटेल, सक्रिय कार्यकर्ता राघव जी भाई हंसराज भाई पटेल। राघव जी भाई हंसराज पटेल एक कुशल राजनीतिज्ञ है। वर्तमान में राघव भाई गुजरात सरकार में कृषि एवं पशुपालन मंत्री के रूप में कार्यरत है। 2012 का राज्य विधानसभा हुआ था, उस वक्त राघव भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जामनगर ग्राम से गुजरात विधानसभा के लिए सदस्य के रूप में चुने गए थे। वर्तमान में राघव भाई जामनगर ग्रामीण से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। अभी हाल ही में कैबिनेट कृषि एवं पशुपालन मंत्री के रूप में चयनित हुए हैं। 2019 के गुजरात के उपचुनाव में राघव जी भाई पटेल ने जीत हासिल की थी। राघव जी भाई हंसराज भाई पटेल भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। जामनगर इनका जन्म स्थान भी है। अगर शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो राघव जी भाई पटेल ने स्नातक की शिक्षा ग्रहण की है। राघव जी भाई हंसराज पटेल एक सफल व्यवसायी भी हैं। अभी कुछ ही दिनों पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार में राघव जी भाई हंसराज भाई कृषि एवं पशुपालन मंत्री के रूप में निर्वाचित हुए हैं। आपको क्या लगता है, कृषि पशुपालन मंत्री होने के कारण राघव जी भाई हंसराज भाई किसान की मूलभूत समस्याओं का निराकरण कर पाएंगे? योजनाएं तो असीम हैं, पर उनके क्रियान्वयन का क्या? बेशक मुद्दा गंभीर है, पर जनता ने कुछ सोच समझकर ही राघव भाई को अपना नेता चुना है। किसानों की उम्मीदों पर आखिर कितना खरा उतर पाएंगे राघव जी भाई हंसराज भाई पटेल? इन ज्वलंत, गंभीर एवं ताजा तरीन मुद्दों के विषय में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर भी करिएगा। इन्हीं प्रश्नों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए एयर न्यूज, आपका अपना न्यूज चैनल।